पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है तभी से वो कानून और व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। इस आग में घी डालने का काम किया मशहूर गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने। मूसेवाला की हत्या ने भगवंत मान सरकार की पूरी पोल पट्टी खोलकर सामने रख दी। वहीं अब हालात यह है कि लोग आम आदमी पार्टी सरकार से इस कदर नाराज हैं कि भगवंत मान को सिर्फ एक सीट पर अपने 6 मंत्रियों को उतारना पड़ गया। दरअसल पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है जो मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बाद भी आम आदमी पार्टी की हालत यहां इतनी खराब है कि उसे चुनाव के लिए अपने 6 मंत्रियों को प्रचार में तैनात करना पड़ा है। खबरों के अनुसार मूसेवाला की हत्या के बाद लोगों की आम आदमी पार्टी से नाराजगी बढ़ गई है। हालांकि किसानों और बिजली के मुद्दे को लेकर लोग पहले से ही नाराज थे और उस पर आए दिन हो रही हत्याओं ने कानून व्यवस्था की हालत राज्य में और बिगाड़ दी। फिर भगवंत मान सरकार ने वीवीआईपी सुरक्षा वापसी के नाम पर कईयों की सुरक्षा वापस ली जिसमें मूसेवाला भी शामिल थे। उसके अगले ही दिन मूसेवाला की हत्या हो गई और आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति और बिगड़ गई। वहीं एक तरफ जहां भाजपा के कैंडिडेट केवल सिंह ढिल्लो आक्रामक प्रचार में जुटे हैं तो वहीं अकाली दल कमलदीप कौर राजवाणा ने भी कैंपेनिंग शुरू कर दी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी अब सक्रिय हो गई है। उसने राज्य सरकार के मंत्रियों कुलदीप सिंह धालीवाल, ब्रह्मशंकर जिम्पा, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह, गुरमीत सिंह मीत और ललजीत सिंह भुल्लर को कमान सौंपी है। इन लोगों को संगरूर लोकसभा सीट के तहत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस करने के लिए कहा गया है। इस तरह एक मंत्री के जिम्मे एक विधानसभा को दिया गया है। फिलहाल ये मंत्री जनसभाएं कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की उपलब्धियां बताने में जुटे हैं। खास तौर पर पार्टी की आम आदमी वाली छवि पेश करने पर नेताओं का फोकस है। पार्टी कैंडिडेट गुरमेल सिंह की भी एक आम आदमी की छवि रही है जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इन नेताओं को जिम्मा दिया गया है कि इस बार की जीत भगवंत मान को मिली विजय से भी बड़ी होनी चाहिए क्योंकि राज्य में अब तो आपकी ही सरकार है। हालांकि ऐसा टारगेट हासिल करना तो अभी दूर की बात है। आप पार्टी के लिए जीतना भी अभी मुश्किल लग रहा है। इसकी वजह यह है कि विपक्षी दल लगातार पंजाब में कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रहे हैं। कई हत्याएं होने से पंजाब सरकार दबाव में थी लेकिन पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने उसे बैकफुट पर ही धकेल दिया। फिलहाल आप सरकार इस संकट से उबरने का प्रयास कर रही है और लगातार अपनी छवि भ्रष्टाचार को खत्म करने और अपराध से निपटने वाली सरकार के तौर पर पेश कर रही है। संगरूर के तहत आने वाली सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले भगवंत मान समेत 3 मंत्री फिलहाल इसी प्लान में जुटे हैं कि कैसे विपक्ष की काट करते हुए जीत का अंतर बढ़ाया जाए। बता दें कि इससे पहले 2019 में भगवंत मान ने संगरूर लोकसभा सीट पर 1.10 लाख के अंतर से जीत हासिल की थी। हालांकि इसी साल मार्च में आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था और उन्होंने इसके लिए लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।